अच्छा कहाँ जा रहे हो आप? जम्मू जम्मू नहीं, वो रास्ता भूल गए हम। तो हमारा प्लान बन रहा था बाघा बॉर्डर जाने का, तो अभी पक्का पता नहीं है, तो देखते हैं अगर प्लान बन गया तो हम बाघा बॉर्डर की ओर निकल जाएंगे, तो आपको पाकिस्तान, तो हम आपको पाकिस्तान भी दिखाएंगे। फिर हम रास्ता भूल गए, ये देखो धर्म भैया पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, रास्ता भूल गया है। बोल रहे थे आप? बोल रहा है की इसका कहने का मतलब है की मैं सुजनदार का रहने वाला हूँ, मैं बंदे को कार्ड। तो हमारा प्लान बन रहा था बाघा बॉर्डर जाने का, तो अभी पक्का पता नहीं है, तो देखते हैं अगर प्लान बन गया तो हम बाघा बॉर्डर की ओर निकल जाएंगे, तो आपको पाकिस्तान, तो हम आपको पाकिस्तान भी दिखाएंगे फिर। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं बड़गर से, तो बड़े बहुत लेट हो गए, सुबह धर्म भैया बोल रहे थे 7 बजे निकलना है, तो 7 बजे जब उठे तो बोलने लगे तैयार हो जाए, उसके बाद आधे सो गए थे, तो आधे बनाए भी नहीं थे, तो फिर सुबह पूड़ी बनाई, आलू बनाए, पूड़ियाँ बनाई, तो उसके बाद खाया सब, उसके बाद बैठे थे बातें शाते कर रहे थे। तो अभी टाइम हुआ है 11:35, तो अब हम यहाँ से निकले, तो गर्मी ज्यादा हो गई, बड़ी ज्यादा काफी गर्मी है, तो रात को बोल रहे थे इनको कोई भूत मिला था इस जगह, तो इसलिए डर भी रहे। आगे हो, आगे बताते हैं। मेरे को नहीं पता है कि भूत मतलब मिला या नहीं मिला, लेकिन ये बोल जिस हिसाब से बोल रहे थे मुझे लगता है मिला ही होगा, क्योंकि इनकी जो धड़कने तो बड़ी ज्यादा तेज चल रही थी रात को, और रात को सोए भी नहीं, बिल्कुल बन रहा था बाघा बॉर्डर जाने का, तो अभी पक्का पता नहीं है, तो देखते हैं अगर प्लान बन गया तो हम बाघा बॉर्डर की ओर निकल जाएंगे, तो आपको पाकिस्तान, तो हम आपको पाकिस्तान भी दिखाएंगे फिर। हम भी चाहते हैं कि हम भी देख लेंगे पाकिस्तान, मतलब उधर के लोग देखना क्या है। हमारे साथ कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो मधुकी से मधुकी तलवार लेके घूमते हैं कि कोई पाकिस्तान नहीं मिले और हम कार्ड दें। वो देखो जिसको ऋषि बोलते हैं, वो देखो किस तरह खा रहा है। तो निखिल बोल रहा था आऊं सुजनधारी और ना आऊं कट्टी और ना, क्या बोल रहे थे आप? आऊं सुजनधारी और ना आऊं कभी और नहीं। बोल रहा है कि इसका कहने का मतलब है कि मैं सुजनदार का रहने वाला हूँ, मैं बंदे को कार्ड भी देता हूँ, मतलब बंदे में जिगरा बड़ा है, बिले शक इतनी जान नहीं है, जोर भी नहीं है, लेकिन जिगरा बड़ा यार। नहीं वो रास्ता भूल गए हम, मैं कब से बोल रहा था वो वाला रास्ता सीधे जम्मू जा रहे हैं, जाना देखो जम्मू 90 किलोमीटर, जम्मू 90 किलोमीटर। बहुत ही बड़ा प्रैंक हो गया, हमें रास्ता भूल गया था, तो हम अब जम्मू वाले रास्ते से कट करके बीच से निकलेंगे, जो दूसरा वाला रास्ता था वो पीछे से जो आर्मी कैंप था उससे कट करके हम जाते थे, वो जो कॉलेज है हमारा मेरे मंदिर से कॉलेज थोड़े पीछे, तो उस रास्ते से हम भूल गए थे, तो हम आगे जम्मू वाले रास्ते चले गए थे, तो उसके बाद सिर्फ भैया अपनी मौजूद कर रहे थे, मेरे को नहीं पता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम सीधे रास्ते आ गए, और अब हम मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कौन सा रास्ता जा रहे हैं। ये वाला रास्ता मिल गया है हमें, तो अब उम्मीद है कि हम घर पहुँच जाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि भूल गए हैं पता नहीं जम्मू जाके निकलेंगे, फिर बोल रहे थे लड़के जम्मू जम्मू जम्मू। गाइस ये है हमारा अखनूर का आर्मी स्कूल APS अखनूर। हम रास्ता भूल गए, ये देखो धर्म भैया पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, रास्ता भूल गया है, मतलब हम गए थे बड़गिल में, तो आते वक्त जम्मू वाले रास्ते का ये हाल देख लो आप, और ये अब हम मेन जंगल में, ये बोल रहे हैं कि ये रास्ता है हमारा अखनूर वाला, यहाँ पर खुला, तो आप बताओगे ये रास्ता गाड़ी का है या डंगर का है? ये बढ़िया कनक चरी कर रही है कसम से, ये हम यार मां कसम, एक ये रास्ता ही खत्म हो गया, मंदिर देख लो आप, ये हमारा गाड़ी का रास्ता है, ये गाड़ी का रास्ता है,